व्याप्तिबलेन प्रवृत्ताय व्यापकसामान्य विषयाय प्रतीते विशेष पर्यवसानाय व्याप्यस्य सामर्थ्यम पक्षधर्मता इति चेतमयवान विकल्प असहत्वात्। कहता है कि भाई व्याप्ति बल के द्वारा प्रवृत्त व्यापक सामान्य विषय आया प्रतीत है, व्यापक सामान्य विषय की जो प्रतीति है वही विशेष पर्यवसान आय, विशेष पर्यवसान करने पर्वत में विशेष पर्यवसान करने के लिए व्याप्यस्य सामर्थ्यम, जो धूम में सामर्थ्य आ गया है उसी का नाम पक्ष। व्याप्ति बल से प्रवृत्त है व्यापक के सामान्य विषय प्रतीति, वन्नी व्याप्यो धूमा, लेकिन वह जो प्रतीति है विशेष पर्यवसान काल में पर्वत में जब धुआं दिखता है उस विशेष पर्यवसान काल में व्याप्य के अंदर एक विशेष सामर्थ्य को भी देता है, उस सामर्थ्य का नाम ही पक्षधर्मता है। चेत मयवम विकल्प असहत्वात् किम प्रथमम सामान्य मात्र आलंबना प्रतीतिर या सा सामर्थ्यात् पश्चात विशेषम अवगात इति पुरुषे किम वा विशेष विषय प्रतीति रनंतरम जायत इति। जो सामान्य मात्र को विषय करने वाली जो प्रतीति है वही स्वगत सामर्थ्य से बाद में विशेष का उपबोध करा दिया, धुआं ने ही सामान्य प्रतीति लिया यत्र धूम तत्र वन्नी, पर उस धुएं का ही एक सामर्थ्य विशेष से पश्चात उसने क्या किया विशेष का उपबोध करा दिया, यह मानते हो। अथवा विशेष विषय प्रतीति अनंतरम जायते, विशेष प्रत्यय विशेष विशेष विषय की प्रतीति मैंने पर्वतीय वन्य को लेकर जो बोध है पर्वत वन्यमान वह उत्तर काल में उत्पन्न होता है, मानते हो क्या मानते हो इसको सामर्थ्य किस आधार का ले रहे हो, उत्पादक सामर्थ्य है या स्वगत सामर्थ्य है। ये उत्पादक कहेंगे उत्पन्न करेगा फिर तो अलग ही ज्ञान हो गया, वो तो फिर अर्थापत्ति में आ जाएगा ना। आद्य प्रतीतेर विरम्य व्यापार अपात्य है, नहीं तो फिर प्रतीति का विरम्य व्यापार मानना पड़ जाएगा कि मानस के ज्ञान के तुरंत थोड़ा पर्वत का ज्ञान हो गया, यहाँ देखा कब दो चार दिन बाद कहीं गया, फिर ये ज्ञान वह व्यापार कैसे करेगा, यह प्रतीति जो है स्वगत सामर्थ्य को लेकर वह विशेष प्रतीति कैसे करा देगा, उपराम पूर्वक व्यापार मानना पड़ेगा, ये आप क्या मानते हैं नहीं। आत्मा का जितने विशेष गुण है त्रिक्षण अवसर नष्ट हो जाएंगे और रुकेंगे ही नहीं अपने और कार्य उत्पन्न होने तक। न द्वितीय प्रमाणांतर प्रसंगा, फिर तो प्रमाणांतर में चला जाएगा वो अर्थापत्ति का विषय बन जाएगा। इतना ही नहीं किंच पक्षधर्मताच्छेद विशेष प्रत्यय का केवल व्यतिरेकितरवकाश से, यदि पक्षधर्मता स्वयं विशेष अवबोधक हो जाएगा पहले केवल व्यतिरेक के अनुमान से जितने भी सब उच्छेद हो जाए वो भी विशेष अवबोध कराना उनका काम है। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं शब्द क्वचिदाश्रितो गुणत्वाद इत्यादि सामान्यतः दृष्टान मानेशु हेतु पक्षधर्मता बला देव अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रित से सिद्ध है, वही विशेष प्रतीति करा दें हेतु। फिर आप केवल व्यतिरिक्त के द्वारा अष्टद्रव्य अतिरिक्त सिद्ध करने की प्रयास क्यों कर रहे हैं, वो अनुमान व्यर्थ हो गया। जो हेतु सामान्य सिद्ध कर रहा है वही हेतु में सामर्थ्य विशेष सिद्धि का भी फिर केवल व्यतिरिक्त अनुमान से अष्टातिरिक्त सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अतिरिक्त द्रव्य आश्रित से आप सिद्ध है। बाद का अंतराधीनम एव तद इतर अष्टद्रव्य आश्रितत्व निरसनम इति उभयवादी संप्रतिपन्नतया तद तद इतर आश्रितत्व निराशे अपि केवल व्यतिरिक्त निरवकाशत्वा। और ये कहोगे भाई अन्य जो पर्वत आदियों में शब्दाश्रितत्व को बाधने के लिए केवल व्यतिरिक्त अनुमान है, कभी वो भी जरूरत नहीं है, अन्य तार्किक कोने जो है अन्य अनुमान से कर देते हैं, पृथ्वी में नहीं रह सकता शब्द शब्द पृथ्वी में नहीं रह सकता, जल तेज में नहीं रह सकता, इस तरह से अलग अलग अनुमान कर नीचे देंगे सब अनुमान टीका में आ ही रहा है इसलिए वहीं जाएंगे। उन अनुमानों के द्वारा उपाधक अनुमान बाद तंत्र अधीनम एव तद इतर अष्टद्रव्य आश्रित आकाश भिन्न अष्टद्रव्य आश्रित तत्व का निरसन कर ही देते हैं लोग, इसलिए केवल व्यतिरिक्त अनुमान की जरूरत नहीं रहा। इति उभयवाद संप्रतिपन्नतया उभय संप्रदायों के नाते तद इतर आश्रितत्व निराश अभी केवल व्यतिरिक्त निरवकाशत्वात् इतर आश्रितत्व को निराश करने के लिए केवल व्यतिरिक्त हेतु कोई अवकाश ही नहीं रह जाता है। यहाँ तक टीका दे लक्षणांतरम संगते व्याप्ति बले नहीं थी, लक्षणांतर की आशंका करते हैं व्याप्ति बल से पक्षधर्मता का लक्षण है। द्विविधम ही हेतु हो सामर्थ्यम दो प्रकार का सामर्थ्य मानते हैं हेतु में, एकां व्याप्ति बलेन बोधकत्वम पहला सामर्थ्य ही है कि व्याप्ति के बल से ही हेतु में बोधकत्व आ जाता है। यथा ही यद धूमवत तद अग्निमद इस सामान्य अग्निमत्व प्रयोजित प्रतीति जनकत्वम
सामान्य के द्वारा अग्नि जो प्रतिजनकत्व है तत्कसे हेतु हो वह किस कारण से हुआ, विशेषाणाम व्यविचारित्व आनंद्यन च व्याप्तिर अशक्य ग्रहण ग्रहणत्वात्, क्योंकि जो है विशेषों के विचार करेंगे वो व्यविचारी हो जाएगा क्योंकि अनंत है वो, और आनंद्यन च व्याप्तिर अशक्य ग्रहणत्वात्, व्याप्ति ग्रहण करना संभव ही नहीं होगा। इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा जो सामान्य के द्वारा ही अग्निमत्व प्रतीति का जनकत्व उसके अंदर आ जाता है। यह धुमत तद अग्निमत इति सामान्य के द्वारा अग्निमत्व प्रतीति जनकत्व आ जाता है। कैसे आ गया, यदि नहीं मानोगे तो व्याप्ति ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। कि विशेषाण व्यभिचारित्व न एक हेतु, आनंत्य न दूसरा हेतु, व्याप्त अग्र अशक्य ग्रहणत्वात्, अपरंतु फिर दूसरा क्या है, एक तो व्याप्ति बल से बोधक हुआ, अपरंतु तामेव प्रतीति पर्वताग्निमत्व लक्षण विशेषे पर्वसायित्व अनुगुणं भवति, उसी प्रतीति यद मानसे दुमवद तद जो है मानसी अग्निमत्व, ये जो सामान्य प्रतीत है वो क्या कर देता है, तामेव प्रतीति पर्वताग्निमत्व लक्षण विशेषे पर्वताग्निमत्व रूप लक्षण विशेष में पर्यवसायित्व अनुगुणं, पर्यवसान करने में समर्थ माना जाएगा। निर्विशेष न सामान्य प्रति न्यायात, क्योंकि कोई भी सामान्य हो विशेष रहित हो नहीं सकता, इस न्याय के आधार पर वह सामान्य विशेष का उत्पादक हो जाएगा। तच्च यह पक्षधर्मत्व व्यक्षता उसको पक्षधर्म मानूंगा इत्यर्थ दूषयति मम इत्यादि ना, किम पक्षधर्मतया सामान्य विषय विषयिणी एव प्रतीति पश्चात विशेष विषयिण्यपि क्रियते, कहते पक्षधर्मतया सामान्य विषयिणी एव प्रतीति, पक्षधर्मतया जो सामान्य विषय प्रतीति थी वही पश्चात विशेष विषयिणी प्रक्रियते, वही प्रतीति बाद विशेष विषयिणी हो जाएगी। यदि ऐसे कहोगे तो कालांतर कैसे हो पाएगा, वो दोष आएगा। अतः उत विशेष विषयिणी एव प्रतीति उत्पाद्य थे, ये सिद्धांति का उत्पाद। इति विकल्प आद्य दूषण महा प्रतीतरते शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार अभावात जातस्य पुनर्जन्म अभावात् भाव, शब्द ज्ञान और कर्म तीनों का स्वभाव है अतिरिक्षण अवस्था ही है, विरम्य व्यापार करना उनमें संभव ही नहीं है। जो उत्पन्न है उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, अब उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया भाई विशेष प्रतीति करने के लिए फिर उत्पन्न होंगे, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। यदि विशेष विशेष विषय बुद्ध्यंतर उत्पादित है, यदि विशेष विषय बुद्ध्यंतर उत्पादित है तभी प्रमाणांतर में होता, तो यदि विशेष बुद्ध्यंतर उत्पन्न कर देगा फिर तो मानना पड़ेगा ज्ञान से दूसरा ज्ञान पैदा होना, जैसे दिवा भोजन नास्ती ज्ञान से रात्रि भोजन ज्ञान पैदा हो गया और तपति प्रमाण का विषय माना जाता है, तत्व क्या परिमानना पड़ेगा। तद व्यापक सामान्य प्रतीति अनुपपत्त है, तद व्यापक सामान्य प्रतीति उपपन्न नहीं हो सकता। प्रतीति व्यापक सामान्य अनुपत्तिर्वा, अथवा प्रतीति की व्यापकता प्रतीति व्यापक सामान्य का भी उपपन्न नहीं हो सकता। दोनों प्रकार से रहेगा, व्यापक सामान्य प्रतीति और प्रतीति व्यापक सामान्य, व्यापक का सामान्यत्व प्रतीति होना और प्रतीति के द्वारा व्यापक को सामान्य से जानना, प्रतीत पर आधारित होकर के ही व्यापक का ज्ञान सामान्य से हो गया, अथवा व्यापक और सामान्य का प्रतीति से ही विशेष का ज्ञान हो गया, यह मान लो। इति अनुमितित्व क्षतिरित्या, फिर तो अनुमिति का ही क्षति हो जाएगा, इसे न द्वितीय से कहा वो तो प्रमाणांतर हो जाता है। पक्षधर्मताया विशेष प्रत्यायकत्व बाधकांतरम माहा, पक्षधर्मता को विशेष प्रत्याय मानेंगे तो बाधकांतर एक और दोष भी है, केवल किंच मन केल वितर हेतु भी नहीं रह जाता है। यत्रि सामान्यतो दृष्टि ने सामान्यतः साध्य सिद्ध हो केल व्यतिरिका विशेष समर्पण, सामान्य दृष्टानुमान से सामान्य साध्य को सिद्ध किया जाता है और केल व्यतिरिक के द्वारा विशेष को सिद्ध किया जाता है। यथा तावत शब्द क्वचित आश्रित गुणत्वात, यह अनुमान किया शब्द यह है किसने की गुण होने के नाते किसने किसमें आश्रित होगा, इस अनुमान से क्या हुआ किंचित आश्रितत्व सिद्धे, केल व्यतिरिका अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रितत्व साध्य थे, केल व्यतिर हेतु से आप क्या करते हैं अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य का आश्रितत्व को आप सिद्ध करते हैं, तो न सियाद नहीं हो पाएगा। क्यों सामान्य तो दृष्ट है तो पक्षधर्मता बलादेव विशेष सिद्ध है, ये आपने अभी कहा था सामान्य दृष्टि जो हेतु है वह पक्षधर्मता का बल से स्वतः ही विशेष को भी सिद्ध कर देगा, इसीलिए उसके लिए केल व्यतिर की अपेक्षा ही नहीं रहा विशेष सिद्धि के लिए। तब कहते हैं ननु यद्यपि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रितत्व अभी सामान्यतः अनुमान ही नहीं सिद्ध,
अष्टद्रव्य से अतिरिक्त्रव्य आश्रितत्व नाम के सामान्य अनुमान के द्वारा ही सिद्ध बलि हो जाएगा। इन कौन सा है सिद्ध कैसे होगा? तथापि नानर्थकत्वाम केवल व्यतिरिक ना, फिर भी केवल व्यतिरिक अनर्थकता नहीं रहेगा। क्यों? आकाश व्यतिरिक्त अष्टद्रव्य आश्रितत्व निरसनार्थत्व तस्ति। आकाश से भिन्न अष्ट का ही व्यावर्तन करना है, किसी भी आठ का थोड़ा व्यावर्तन करना है। आकाश व्यावर्तन कर दोगे तो फिर क्या फायदा होगा? वो निर्णय कौन करेगा? उसके लिए केवल व्यतिरिक जरूरी है, इसी तरह वो भी जरूरत नहीं है कि जो है उभय मत उभयवाद सम्मत प्रक्रिया अलग है। क्या प्रक्रिया है? वो अलग अनेक अनुमान करेंगे। न तत्रापि केवल व्यतिरिक कश्चित उपयोग, आकाश अतिरिक्त अष्ट का निराश करने के लिए भी केवल व्यतिरिक हेतु की कोई उपयोग नहीं। क्यों? हम ऐसा अनुमान करेंगे श्रोत्रान विशेष अनुग्रहकम इंद्रियत्वात् चक्षुराद्विति विशेष गुणत्व सिद्ध है। गुण में भी हम उसको शब्द को पहले विशेष गुण सिद्ध कर देंगे, फिर क्या करेंगे? सिद्ध है शब्दों न दिक्काल मनोगुण, उनमें से तीन को ले लिया, दिक्काल मन का गुण नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यक्षत्वात् विशेष गुणत्वात् च रूपादिवत् नाभि स्पर्शवत् विशेष गुण, स्पर्शवत् गुण हो गए पृथ्वी जल तेज वायु, उनका विशेष गुण नहीं होगा। क्यों? प्रत्यक्ष सती अकारण गुण पूर्वकत्वात्, प्रत्यक्ष होते हुए अकारण गुण पूर्वक होने के कारण से वे सब कारण गुण पूर्वक है, परमाणु कारण है ना उनका। या आकाश में कोई परमाणु के कारण तो है नहीं, कारण गुण पूर्वक नहीं है। अयावत द्रव्य भावित्वात्, अयावत द्रव्य भावित्वात्, वो जो पृथ्वी चल तेज वायु की यावत द्रव्य भावी गुण है, और यह द्रव्य तो आकाश बना रहता है, सब तो नष्ट हो जाता है। यहाँ ना इस पर विशेष गुण प्रत्यक्ष कारण गुण पूर्वत्वाद अयावत द्रव्य भावित्वाद आश्रयाद अन्यत्र उपलब्धेश्च, एक और हेतु दिया आश्रयाद अन्यत्र उपलब्धेश्च, आश्रय से अन्यत्र भी उपलब्ध होता है। ये आश्रय से अन्यत्र कहाँ उपलब्ध होता है? उपलब्ध होता है, सारा दृष्टांत वेदांत का बोल गए। शंकद महा वीणावाद क्या है ये सब, भेरी है ना, भेरी का भी चांद लेगा वो स्थानांतर होगी नहीं, शब्द का उत्पत्ति स्थान आकाश से भिन्न हो गया, उसको लेकर कर रहे हैं आश्रयाद अन्यत्र उपलब्धेश्च। और न आत्मगुण, एक रह गया आत्मा, चार दिन सात कल अलग कर दिया, अब एक बाह्येन्द्र वेद्यत्वात् सीधे खत्म, आत्मगुण नहीं है क्योंकि बाह्येन्द्र से वेद्य हो इत्यादि बाधकांतर निबंधनत्वात् तस्यैत्यर्थः। इन बाधकांतर अनुमानों के द्वारा आकाश अतिरिक्त अष्ट का निराश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केवल व्यतिरिक अनुमान का क्या प्रयोजन रह गया? पक्षधर्मता खंडनेन महाविद्या जीवनम अपि खंडितम वेतव्यम्। पक्षधर्मता के खंडन से अपने महाविद्या का भी खंडन हो गया। क्यों? केवलान्वयिनी व्यापक है प्रवर्तमान हेतु हो पक्षी व्यापक प्रतीत्य परवसान बलाद अन्वय व्यतिरेकी साध्य विशेषम वादी अभिमतम साधयन ही महाविद्या इत्युच्यते है। ये महाविद्या का लक्षण है, क्योंकि जो केवलान्वयी है वो व्यापक है प्रवर्तमान हेतु, केवलान्वयिनी व्यापक है केवलान्वयी व्यापक साध्य है उसमें प्रवृत्त हो रहे हेतु, तो पक्षी व्यापक प्रतीतीय परिवसान बलात् पक्ष में व्यापक प्रतीति का अपरिवसान के बल से अन्वय व्यतिरेक के साध्य विशेषम वादी अभिमतम अन्वय व्यतिरेक के रूपा साध्य विशेषवादी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसको साधन करने के लिए हम महाविद्या निर्माण कहते हैं। मैंने सीधे ही नहीं रहता है ना पक्ष में, इसलिए अलग दोनों अलग दृष्टांत लेना पड़ता है, हेतु में अलग तरीके से पक्ष में अलग तरीके से सिद्ध करना पड़ता है। तथा च व्यापक प्रतीति अपरिवसान अनिरुक्त हो तासम अपि अनिरुक्त है, इसे जब व्यापक प्रतीति के परिवसान गए हम निरुक्ति नहीं कर पाए तो तासम अपि अनिरुक्त है, महाविद्या का भी अनुवृत्ति हो जाएगी। दग्ध सारंचितम वादी इंद्रवाद धावान लेन महाविद्या विपण विपणमिति न अस्माभिस्त भस्मी भावाय सारभ्यते तथा। और ऐसे जो है महाविद्या अनुमान जो रूपी जंगल को जो खड़ा किया वादिंद्र के तावन के द्वारा ही वो नष्ट हो रहा है, तो न अस्माभिस्त भवाय उसको भस्म करने के लिए हमें कुछ भी आरंभ करने की जरूरत नहीं है। तथा पक्ष धर्मत्व सामर्थ्यात् सर्वज्ञेश्वर साधकम् ईश्वरानमिति नांच ज्वर भारातुरम वपुहु। इसलिए हमारा कहना इतना ही है भाई, पक्ष धर्मत्व के सामर्थ्य से सर्वज्ञ ईश्वर का सिद्ध करना, ऐसे जितने भी अनुमानों प्रयोग करते हैं साधकम् ईश्वर अनुमिति नांच, और ईश्वर के लिए प्रयुक्त अन्य जितनी भी अनुमिति है वे भी
सबके सब ज्वर रूपी भार से आतुर शरीर वाला उनका सारा महाविद्यानुमान खंड हो जाता है। व्याप्ति पक्ष धर्मता खंडन से इस प्रकार से लिंग का खंडन हो गया। व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों खंडन से प्रकृत उपयोगम दर्शित उपसमृति उन दोनों खंडन करना का क्या लाभ है प्रकृत में उस उपयोग को दर्शाते हुए उपसंहार कर रहे हैं। तदेव न व्याप्तिर नापि पक्ष धर्मता शक्य निरूपणा इति न व्याप्तिर नापि पक्ष धर्मता शक्य निरूपणा इति व्याप्यक्ष धर्मता बद लिंग तत्परामर्श अनुमान इति लक्षणम न सिद्धति इति सिद्धम। इस प्रकार से अतः जो लिंग परामर्श भी सिद्ध न होने से अनुमान के लक्षण का खंडन हो गया, इसको उपसंहार कर दिया। हाँ अब वापस मूल में शाब्द व्युत्पत्ति शून्य से स्मृति करणी का प्रमिति अनुमिति तत्कारण अनुमान इत्यपि न लक्षण। किसी ने ऐसा भी लक्षण किया तर्क रीत्या अनुमान लक्षणांतरम कर किसका नहीं मालूम। उन्हें क्या शाब्द व्युत्पत्ति शून्य से शाब्द ज्ञान से रहित है, स्मृति है कर्ण जिसका, ऐसा जो प्रमिति है उसका नाम अनुमिति है। अनुमिति परमा का लक्षण कर रहे हैं स्मृति करणी का, कि व्याप्ति का स्मृति होता है ना, व्याप्ति स्मरणी पूर्व की अनुमिति है, स्मृति करणी का है। लेकिन वह स्मृति का करणी का होते हुए भी शब्द व्युत्पत्ति से जन्य नहीं हो, शब्द प्रतीति में चला जाए ना, वो स्मृति करणी का पदार्थ स्मृति पूर्वक होता है वाक्यार्थ ज्ञान, इसलिए पदार्थ स्मृति करण है जिनका शाब्द ज्ञान में लक्षण न जाए इसे विशेषण दिया शाब्द व्युत्पत्ति शून्य से स्मृति करणी का प्रमिति ही अनुमिति ही तत्कारणम अनुमानम इत्यपि न लक्षणम व्युत्पन्न से अनुमित हो तत्कारणे चा व्याप्ते है। स्वार्थानुमान में ही साम स्वार्थानुपात तो अलग अलग तो लक्षण किए नहीं इन्होंने, एक ही जब विचार किया एक ही जब कहा तो स्वार्थ पर दोनों को लेकर बताया था, ये सामान्य चल रहा है अनुमान का लक्षण, स्वार्थ हो या परार्थ हो दोनों में घटना चाहिए। इसे कई जगह कर रहे हैं आपने जो लक्षण स्वार्थ में नहीं घट रहा है कहते परार्थ में नहीं घट रहा है कि दोनों के सामान्य लक्षण बना रहे हैं, वो सामान्य लक्षण नहीं बन रहा है, ये आगे भी कहेंगे अभी भी। व्युत्पन्न से अनुमित हो तत्कारण च व्याप्त है कहते व्युत्पन्न से व्युत्पन्न से मैंने शब्द व्युत्पत्ति से संपन्न जो व्यक्ति है तत्कारण उस व्यक्ति के द्वारा क्या हुआ अनुमिति, उस अनुमिति का जो कारण है तत्वा लक्षण अनुमित तत्कर्णे च अव्याप्त है, उस अनुमिति और उस कर्ण में भी अव्याप्ति होगी। लक्षण जाना चाहिए आपने शाब्द व्युत्पत्ति शून्य कह दिया और उनमें लक्षण नहीं जाएगा उस अनुमान में और उस कर्ण में, क्योंकि प्रत्यक्ष परिकल्पितम अप्यर्थम अनुमान भुक्षंते तर्क रसिका, ये उनका नियम है। और प्रत्यक्ष विभूषित है शब्द से ज्ञात है, शब्द से ज्ञात को फिर अनुमान कर रहा है उस अनुमान में आपके लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि शब्द शून्य आपने कह दिया। तार्श प्रमिति वृत्ति प्रमात्वान्तर जाति अधिकरण ज्ञानम अनुमिति तत्कर्ण अनुमान मिति चेत न तार्श प्रमिति वृत्ति, तार्श जो प्रमिति मैंने शब्द प्रति शून्य स्मृति कारणी का जो प्रमिति उसमें रहने वाले जो प्रमात्व जाति, उस प्रमात्व का अवान्तर जाति कौन हो जाएगा अनुमितित्व जाति, तार्श अनुमितित्व जाति वाला कौन होगा अनुमिति होगा। अब वो शब्द बोध में नहीं जा सकता या शब्द जन अनुमिति में भी नहीं जाएगा, शब्द जन अनुमित करण जो स्मृति उसे भी नहीं जाएगा कि वहाँ पर क्या है अनुमितित्व जाति नहीं रहेगा शाब्दत्व रहेगा, ये कहते हैं ऐसे अनुमान कर रहे तो लक्षण ऐसे ही ज्ञान का कर्ण अनुमान है न प्रमात्व जाति पुरस्तत्व निरस्तत्वात्, प्रमात्व जाति में पूर्व खंडन कर चुके हैं उसके अवान्तर से अनुमितित्व लेकर कैसे तुम लक्षण कर सकते हो। ये तेना इसी के द्वारा वैभाषिक वैशेषिक वैभाषिक और जीवनी तीनों का लक्षण खंडन हो जाता है। वैशेषिक कौन सा अनुमेयन संबद्धम प्रसिद्धं च तदन्विते तद भावे च नास्त्येव त्रिलिंगम अनुमापकम वैशेषिक भाष्य। अनुमेयन संबद्धम पर्वत के साथ संबद्ध पक्ष सत्व का ज्ञान, प्रसिद्धं च तदन्विते साध्यान्वित होकर के दिखाई देता है सब पक्ष सत्व, तद अभावे साध्य अभाव में नास्त्येव हेतु भी नहीं है विपक्षात व्यावर्तत्व, पक्ष सत्वम सपक्ष सत्वम विपक्षा चारत्वम यही लिंग है वही अनुमापक है ऐसा कहते हैं वैशेषिक भाष्य। अनुमानम त्रिरूपात लिंग तो अर्थ दृक ये कह दिया वैभाषिक दिग्ना कारिका में कहा है अनुमानम त्रिरूपात लिंग तो अर्थ दृक ये त्रिरूप पक्षत्व त्रिरूपात लिंग तो अर्थ दृक अर्थ मैंने साध्य का बोधक हो जाता है।
ज्ञात संबंध से एक देश दर्शनाद एक देशांतर बुद्धि मीमांसक शब्र भाष्य। ज्ञात संबंध से वन्नी और धूम का संबंध ज्ञात है, ऐसा जो धूम एक देश दर्शनात धूम रूपी एक देश को आपने पर्वत में देखने से एक देशांतर बुद्धि, एक देशों ने पहले मानस में देखा और देशांतर हो गया पर्वत में देखना, इसी का नाम अनुमिति है। इतमादिनी वैशेषिक वैभाषिक जीवनी लक्षणान्यपि प्रत्युक्तानि खंडित हो गया। क्यों? पक्ष धर्मत्व सपक्ष सत्व व्याप्ति व्यापक संबंधानाम पूर्वम एव निरस्त सात, पूर्व में हमने खंडन कर दिया है। तदेव नान मान लक्षण भी निर्वोढ़ शक्यमिति सिद्धांत, इस प्रकार से अनुमान लक्षण भी आप नहीं कर सकते हैं, इसका निर्वाण नहीं हो सकता, यह बात सिद्ध हो गया। यहाँ तक ही टीका शाब्दे थी अनुमितिकरण अनुमान, ये सामान्य लक्षण है। का पुनर्नुमिति इति अतत्त लक्षण मा, सामान्य लक्षण लेकर चल रहा है और सामान्य लक्षण अनुमिति बनाया उसका कारण अनुमान, चाहे स्वार्थ हो चाहे परार्थ हो, कोई लेना देना नहीं अभी, इसके बाद होगा। परार्थानुमपी प्रत्युक्त, वहां से शुरू होगा, ये मुख्य रूपण स्वार्थ अनुमान के लिए कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष व्यवच्छेदाय स्मृतिकरणिका इत्युक्तम, प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्मृतित्व स्मृतिकरणिका कह दिया। शाब्द प्रमितेरपि पदार्थ स्मृतिकरणत्वम अस्ति, शाब्द प्रमिति के भी पदार्थ स्मृतिकरणत्व रहता है। स्मृति है ना, हाँ पता ना, शाब्द बोध में भी पदार्थ स्मृति जरूरी है, उसके बिना वाक्यार्थ बोध होगा नहीं। यदि तद व्यवच्छेदाय शाब्द विपत्ति शून्य से इत्युक्तम, उभयोरपि अव्याप्ति महा व्युत्पन्न से, फिर भी ये व्याप्ति है। क्यों? शाब्द विपत्ति मत, मैंने व्युत्पन्न मैंने शाब्द विपत्ति वाला आदमी, उसने शाब्द विपत्ति कर लिया जिसका, उसी को फिर अनुमान करता है, उस अनुमिति और उसके कर्म में लक्षण नहीं जाएगा आपका, अव्याप्ति हो गई। व्युत्पन्न गतियोरपि संग्रहार्थम विशेषम संकत है, व्युत्पन्न गतोरपि व्युत्पन्न और सामान्य ज्ञान वाला दोनों का संग्रह करने के लिए विशेषम संगत है। तादृशेति इत्यादि ना ताश प्रद्युत प्रमात्तवांतर जाति इत्यादि बनाया उन्होंने, पूर्वोक्त प्रमितिवर्तिनी प्रमात्तवांतर जाति अनुमितित्वम तदेव ज्ञानम अनुमिति ही अस्य चेदम व्युत्पन्नानुमितोपि इत्यर्थ। पूर्वोक्त प्रमितिवर्ति जो प्रमात्व है उसके अवंतर जो अनुमितित्व को लेकर हम लक्षण बना देंगे, और वह व्युत्पन्नोत्तर काल में जो अनुमिति होगी उसमें भी अनुमितित्व रहेगी, लक्षण चला जाएगा, अव्याप्ति नहीं रहेगा। अत्र छो प्रत्यक्ष भ्रम संशय विविच्छेदाय, अतः यहाँ पर अप्रमाद तवांतर जाति क्यों कहना पड़ा? प्रमितिवृत्ति जाति सीधा कह देते, प्रमितिवृत्ति जाति तो प्रत्यक्षत्व भी हो सकता है, भ्रमत्व भी हो सकता है, संशय भी हो सकता है, उन्हें विच्छेद करने के लिए क्या करना, प्रमाद तवांतर जाति कह दो। अब क्या होगा, वो प्रत्यक्ष भ्रम या संशय आदि अवान्त प्रमात्व का अवान्तर जाति नहीं, वह अप्रमात्व का अवान्तर जाति है। प्रत्यक्ष आगम आदि विच्छेद आया, और प्रत्यक्ष आगम में आदि विच्छेद करने के लिए तार्श प्रमिति इत्युक्तम, तार्श प्रमिति में शब्द व्युत्पत्ति शून्य से स्मृतिकरण का प्रमिति, ये कहना इतना लंबा कहना पड़ा। प्रमात्व जाते रीति उपलक्षणम अनुमितित्व से अपित्यर्थ, प्रमात्व जाति करके तात्पर्य है उपलक्षण हो जाता है अनुमित जाति के प्रति, तरी अनुमितित्व तावन न जाति, फिर तो अनुमित जाति नहीं रह जाएगा। अयम अग्निमान पर्वत इति ज्ञाने अयम अंश प्रत्यक्ष संग्रह प्रसंगात, सांकर दोष हो जाएगा। और अनुमित को उपाधि में नाप्य उपाधि उद्भावित उपाधि नाम निरसनात्, पूर्व में उद्भावित उपाधियों को हम निराश कर चुका हूँ। यदि वर्णित अनुमान लक्षण खंडनम प्रसुत्पाद तिंग नाग शबर स्वामी सम्मत लक्षण श्योति दिशति, इस प्रकार से निरसनादिति कथा वर्णितानुमान लक्षण खंडनम, वर्णित लक्षण का जो अनुमान का हमने खंडन किया उसी युक्ति को घटा रहे अब किन में, प्रशस्तपाद भाष्यकार दिंगनाकारिका और शबर स्वामी वैशेषिक वैभाषिक और आपके मीमांसा एतेन इत्यादि ना अनुमेयेन माने पक्ष है सर्वस्मिन् संबद्धम पक्षधर्म तावद् इत्यर्थः, सभी पक्ष में संबद्ध होकर के निश्चय हो जाना ये पक्षधर्म तावत्ता है। सपक्ष सत्व मैंने पक्ष वृत्तित्व, पक्ष वृत्तित्व तदन्वित मैंने अनुमेय धर्मवती पदार्थांतरे सर्वस्मिन् एक देशे वा, अनुमेयभूत साध्य रूपी धर्म वाले पदार्थांतर सर्वस्मिन् एक देशे वा, या सभी में हो चाहे एक देश में हो, प्रसिद्ध हो जाना मानस आदियों में, उसको सपक्ष सत्व कहते हैं। सपक्ष सत्व इति यावत् अर्थ कर दिया उसको।
चकारस्तु पक्षधर्मत्वेन इदं रूपं समुच्चिनोति। चकार के द्वारा क्या क्या पूर्वार्ध में कहते वहाँ पक्षधर्मत्व धर्म को लेकर के ही समुच्चय करने के लिए कहा गया, साध्य के साथ पक्षधर्मत्वेन गृहित हो जाता है। तभी तो जो मानसीय धूम पर्वत में अनुमान कर पाता है वो सामर्थ्य उसके अंदर है ये मानते हैं। तथा तथा भावे साध्य भाववती नास्ती एव हेतु सर्वता व्यावृत्तम मैंने विपक्षादवृत्तम इत्यर्थ। तीसरे पाद अत्रापि चाह, यहाँ भी एक चाह है पक्ष धर्म तो यह तो समुचर, यहाँ भी पक्ष धर्मता रूप से समुच्चय करना है। न तो सपक्ष सत्व न केल व्यतिरिक भाव आपाता, सपक्ष सत्व से केल व्यतिरिक भाव है ये आपत्ति भी आप नहीं दे सकते। एवं पूर्वोपि केवलान्वयी लाभात, इसी प्रकार पूर्व में भी कह दिया गया था केवलान्वय का लाभ करने के लिए भी जरूरी है। अतएव एवं विधम यलिंगम तद अनुमापगमिति काश्यप खणाद अब्रवीत, इस प्रकार से लिंग का लक्षण ही अनुमापक होता है ऐसे कश्यप गोत्र उत्पन्न कणाद महर्षि ने पूर्व में कह दिया। ये उत्तर श्लोक स्थिन अन्वय, उत्तर श्लोक ऐसा है इसका। विपरीतम मतो यत् स्याद् एकेन वा द्वयेन वा विरुद्ध सिद्ध संदिग्ध मलिंगम काश्यप अब्रवीत वैशेषिक भाषा इति उत्तर श्लोक। तथा त्रिरूपात पक्षधर्मतादि रूपत्रयवदः, त्रिरूपात का मतलब पक्षधर्मतादि रूपत्रय वाला हो करके, समास तो बहुव्री, त्रिरूपात में समास जो है बहुव्री समास को लिंगत का विशेषण है। यदर्थदृक् माने अर्थ दर्शनम तद अनुमानम इति, जिसके द्वारा वन्नी का अनुमान कर देना। इति वैभाषिकाणाम सूत्रकृत दिग्नागस्य सूत्रम। तथा ज्ञात संबंधस्य ज्ञात अविनाभावस्य पुंसः एक देश दर्शनाद धूम विशिष्टांश दर्शनाद, एक देशांतरे अग्नि विशिष्टांशे बुद्धि अनुमानम। ये शबरमणि एकस्यैव खलु पर्वतस्य एक देश दर्शेन एक देश अनुमीयते। तथा चाहुर्वार्तिकृतः, वार्तिकार ने कहा है स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव च असिद्धेनैकदेशेन गम्य सिद्धेन बोधकः प्रमाता ज्ञात संबंध एक देश तवोच्यते कर्मधार्य पक्षे वा संबंधिन्येक देशता द्वयं वा ज्ञात संबंधम उपलब्धं परस्परं तस्येक देश शब्दाभ्याम उच्येते समुदायिनौ। सैव च उभयात्मा, एक लिंग उभयात्मा कहीं गम्य भी है और गमक भी है। असिद्धेन एक देश है ना, असिद्ध एक देश में वो गम्य हो जाता है, सिद्ध देश में वो गमक हो गया। जैसे महानस में वन्य गमक ही है, यत्र धूम तत्र वन्य, धूम और वन्य दोनों दिखाई दे रहा है, और वही गम्य हो गया अन्यत्र जहाँ सिद्ध था वो। क्योंकि प्रमाता ज्ञात संबंध एक देश यथा एक देशी अथवा उच्चते, जहाँ क्या प्रमाता को जहाँ संबंध का ज्ञान हो गया उसको एक देशों से ले लो पहले, माने महानस में। कर्मधारी पक्षे वा, अगर तो कर्मधार समास करोगे तो बहुत समास करके ज्ञात पर नहीं ले जाओ, तो मैंने देश विशेष में ले जाने के लिए प्रमाता से क्या संबंध जोड़ना, इतना गौरव गौरी समाज क्यों लेना, कर्मदाय से पक्ष ले लो। संबंधी एक देशता, संबंधी में ही एक देश प्रयोग करो, धूम में ही प्रयोग, धूमवान में नहीं जाएगा। द्वयम वा ज्ञात संबंधम उपलब्धम परस्परम, ज्ञात संबंध दोनों के दोनों परस्पर साहचर्य नियम के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद तस् एक देश संबंधाभ्याम, उसके एक देश के और एक देश शब्दाभ्याम, उसके एक देश और शब्द के द्वारा हम कथन करते हैं समुदायिनौ, वो दोनों समुदायों का कथन किया जाता है। एक देश शब्दाभ्याम समुदायिनौ तस्य उच्चेते, उसी के समुदाय का कथन किया जाता है। इति वार्तिककार बहुविध भाष्यम योजितम, भाष्य का व्याख्या उन्होंने अनेक प्रकार से किया। तथापि विस्तृत एकैव रीति रत्र प्रदर्शिता, विस्तार के वैसे हम एक ही रीति को उनमें से ले रहे हैं जो प्रमुख है। एतेन इति अधिदिष्टांश विशदेति पक्षेति, पक्षधर्मत्व सपक्षत्व व्यापी व्याप संबंधानां पूर्वमेव निरसत्व। अत्र त्रैरूप्य मुखेन आद्य लक्षणे प्रवृत्ते तृतीयमपि व्याप्ति पुरस्कारेण ज्ञात संबंध इत्यत्र व्याप्तिर्वक्षितत्वात्। तीनों रूप से पहला है पक्षधर्मत्व, अत्र ही त्रैरूप्य मुखेन आद्य लक्षण प्रवृत्ते, फिर दूसरे में सपक्ष सत्व ले लिया, और तीसरा व्यापी व्यापक संबंध को ले लिया। तृतीय पी तृतीयमपि
व्याप्ति पुरस्कार ज्ञात पूर्वक होने के नाते ज्ञात संबंध शब्द से श्लोक में ग्रहण किया गया है। इत्यत्र व्याप्ति रक्षितत्वात् तच्च रूपम पक्षधर्मता व्याप्तिश्च इति द्वयम् पुरस्तादेव खंडितम्। उस पक्षधर्मता और व्याप्ति इन दोनों को पूर्व में ही खंडन कर चुके हैं। पूर्व में एवं है ना, उसको कहते पूर्व में खंडितम्। पक्षधर्मता लक्षण खंडन न्याय न सपक्ष विपक्षोस् तत्र सदसत्वयोश्च खंडित प्रायत्व इति भाव। यदि भी अलग से हमें सपक्ष और विपक्ष खंडन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्षधर्म का खंडन कर न्याय के युक्तियों से ही सपक्ष विपक्ष का भी खंडन हो जाता है, क्योंकि वहाँ सत्व और असत्व को लेकर व्यवहार हो रहा है। खंडित प्रायत्व इति भाव, फिर भी अलग से भी खंडन करेंगे सपक्ष का, दृष्टान्त खंडन में सपक्ष खंडन हो जाएगा, पंचावयव के द्वार खंडन कर देंगे। ये तेरा परार्थानुमपि प्रत्युक्तम्, इसके द्वारा परार्थानुमान का भी खंडन हो जा रहा है। स्वार्थानुमान उपजीव्य तत्प्रवृत्त है, क्योंकि वो स्वार्थानुमान के आश्रित होकर के द्वारा तथा स्पष्ट करते हैं, क्योंकि पंचावय वाक्य रूप पदार्थानुमान होता है आपका। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन निगमन रूप पंचावयवात्मकम तत् माने परार्थानुमान तदर्थ पक्ष वचन प्रतिज्ञा इति अलक्षण। उसे सबसे पहला है आपका पक्ष वचनम प्रतिज्ञा, वह लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? पूर्वोक्तेन न्यायेन पक्षस्यैव निरूपणे कथं तद्वचनं वाच्यं प्रतिज्ञेति विपश्यताम्। अरे आप बुद्धिमान के द्वारा ऐसा कैसे कहा जा सकता है? पूर्वोक्त प्रकार से पक्ष का ही निरूपण नहीं जब हो रहा है, तो पक्ष विषयक वचनं प्रतिज्ञा तद्वचन प्रतिज्ञा ऐसा कथं वाच्यं विपश्यता। फिर भी पक्ष वचनम का अर्थ क्या हो सकता है? छह लक्षण बनाएगी पक्ष वचन, क्यों पक्ष प्रतिपादक वचन मात्र प्रतिज्ञा प्रतिपिपादिशया व तद्वचनम उदहेत्वाकांक्षा जनकम किं वा साति धर्म विशिष्ट धर्म प्रतिपादकम तदेव हेत्वाकांक्षा जनकत्व विशिष्टम निगम अन्यत्व विशिष्टम वा। पक्ष का प्रतिपादक वचन सामान्य का नाम प्रतिज्ञा है। यह प्रतिपादन के लिए इच्छित विषय के साथ में पक्ष का प्रतिपादक वचन तद्वचन प्रतिपादक वचन का नाम प्रतिज्ञा है। तो हेतु की आकांक्षा का जनक वचन का नाम पक्ष वचन है। क्यों वह साध धर्म विशिष्ट साध रूपी दर्श धर्मी का प्रतिपादक वचन का नाम पक्ष वचन है। अतः तदेव हेत्वाकांक्षा जनकत्व साध धर्म विशिष्ट धर्मी का प्रतिपादन करते हुए हेत्वाकांक्षा का भी जो जनक है उसको मानेंगे। तो निगमन अन्यत्व विशिष्ट मतलब निगमन से भिन्नत्व विशिष्ट का नाम पक्ष वचन है। इनमें से एक भी नहीं हो सकता नाद्य अयम पक्ष इत्यादि वचन से प्रतिज्ञात्व प्रसंगात। कोई बोलेगा अयम पक्ष वचन प्रयोग कर दिया, वो भी प्रतिज्ञा वाक्य मानना पड़ जाएगा। इत्यादि वचन से प्रतिज्ञात्व प्रसंगात इतना ही नहीं, पक्ष लक्षण वचन से आपकी तत्व प्रसक्तिश्च। पक्ष का लक्षण क्या है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष आप बोलते हो, वो भी प्रतिज्ञा वाक्य हो जाएगा, वो भी पक्ष वचन कर रहा है। पक्ष लक्षण वचन से आपकी तत्व प्रसक्तिश्च मने पक्ष वचन प्रसक्त मने प्रतिज्ञा प्रसक्तिश्च। अतएव न द्वितीय हो, इसलिए द्वितीय भी नहीं ले सकते आप। प्रतिपादन इच्छया पक्ष वचन से तत्रापि भावात् प्रतिपादन करने की इच्छा से पक्ष का कथन उस लक्षण वाक्य में विद्यमान है संदिग्ध साध्यवान पक्ष में। न तृतीय हो हेतु की आकांक्षा ऐसा भी अकस्मात एम पक्ष, किस कारण से आप इसको पक्ष कह रहे हैं? नहीं, धूम संबंध को लेकर प्रश्न होना कोई जरूरी नहीं है ना, सामान्य प्रश्न से भी हो सकता है। हेतु पर कही अकस्मात कस्मात एम पक्ष इत्यादि भी तत्व मैंने प्रतिज्ञात प्रसंगात। ना भी चतुर्थ हो निगमन से आप तद्भाव प्रसंगात, चौथा पक्ष निगमन पक्ष एक ही बराबर हो जाता है। चौथा क्या था? साध धर्म विशिष्ट धर्मी प्रतिपादकत्व निगमन में ये प्रवर्तमान मान निगमन और प्रतिज्ञा एक हो जाएगा, आपत्ति हो गई। इसे निगमन अन्यत्व विशिष्ट देना पड़ेगा अंत में करेगा, इसलिए वो तो चौथे में आप निगमन में अतिव्याप्ति दे दिया। ना भी पंचम हो कस्माद यम साध धर्मवान, ऐसे हेतु आकांक्षाजनक हो रहा है। साध विशिष्ट सब कुछ है, हेतु की आकांक्षा भी हो रही है। क्या हेतु? कस्माद यम, ऐसे हेतु की आप पूछ रहे हैं, इस वचन में चला जाएगा। तथा पापातात तो क्या अप्रश्न रूप एक अकस्मात प्रश्न रूप है ना, या धुआं कहाँ आया? प्रसिद्ध स्थल मिलेंगे तो वन्नी है स्वाध्याय, तो धुआं होना चाहिए, धुआं संबंधी होना चाहिए,
ये तो प्रश्न परक हो गया, जिसे हम जोड़ेंगे वहां अप्रश्न रूपम तथा भूत वचनम, उस प्रकार का लक्षण को हम प्रतिज्ञा वचन मानव विच्छेद नो आक्षेप वचन से प्रश्न मनवान प्रति तद्रुपत्वात्। पक्ष का निराकरण पर जो वाक्य होता है आक्षेप वाक्य, कहीं भी पक्ष हो सकता है, वहां पर क्या करोगे, हम हेतु का जिज्ञासा हो रहा है। आक्षेप वाक्य में पक्ष का बिल्कुल निराकरण करते हुए वह जिज्ञासा तो जिज्ञासा हो रही है, उनमें लक्षण चला जाएगा। लक्षण वचन विचाराच्छा और जो संसाध्यवान पक्ष उससे लक्षण वचन विचार तो है ही, से नापि श्रेष्ठ हो निगमन अन्य तो कह दो वो भी नहीं हो सकता, क्यों, परस्पर आश्रय प्रसंगात। उपनय अनंतरम प्रतिज्ञा वचन निगमनम, उपनय के अनंतर वचन का नाम निगमन लक्षण करूंगा। सहेतुकम प्रतिज्ञा वचन मिति वा लक्षणम, अथवा निगमन का दूसरा लक्षण आपका सहेतुकम प्रतिज्ञा वचनम, यह आपने लक्षण किया हुआ है। तथा जब प्रतिज्ञा सिद्ध हो निगमन सिद्धि, तत्सिद्ध हो तद अन्यत्व विशेषित प्रतिज्ञा सिद्धि, निगमन सिद्धि प्रतिज्ञा से किया दिन है और प्रतिज्ञा होगा निगमन सिद्धि के अधीन हो गया, निगमन अन्यत्व आएगा तभी उसमें। यदि कथम न परस्पर आश्रय तस्वाद न प्रत्यय लक्षण निरुक्ति, इसलिए प्रतिज्ञा के लक्षण का निरुक्ति आप नहीं कर सकते। प्रतिज्ञा का खंडन होगा पंचांग में पहला अवयव का खंडन, यद्यपि अनुमान मात्र खंडन परार्थानुभव भी खंडितम एव, अनुमान मात्र खंडन से परार्थ अनुमान खंडन तो हो ही गया, तथापि अधिक दूषण विवक्षया, इस प्रत्येक अवयव का भी खंडन करना है वह अधिक दोष देने के दृष्टिकोण से विषय इच्छा से अखंडितवद अतिदिशति, मानव ये खंडन हुआ ही नहीं है ऐसे इसका अतिदेश करके खंडन करने आरंभ करते हैं तेन इत्यादि ना। स्वार्थानुमानोपजीवन दर्शयितुं परार्थानुमानं दर्शयति, स्वार्थानुमानोपजीवी है ये दिखाने के लिए परार्थानुमान का स्वरूप दिखा रहे तथा इत्यादि ना। परोपदेश अपेक्षम अनुमानम तद, क्योंकि पर को उपदेश करने की अपेक्षा से किया जाने वालों का नाम ही परार्थानुमान होता है। तत्र उपजीवन दर्शन पूर्वकम दूषणम अतिदिशन प्रतिज्ञाम खंडयति श्लोकेन, उपजीवन को ही दर्शन पूर्वक दोषों का अतिदेश करते हुए प्रतिज्ञा खंडन करते हैं इस श्लोक के द्वारा पूर्वोदित न्याय इत्यादि से पूर्वेति। तद्वचन मैंने पक्षवचन, श्लोक में तद्वचन करते हैं पक्षवचन प्रतिज्ञेति उपस्थिता कथम वाच्यम न कौतम अपित्यर्थ, आप जिस विद्वान के द्वारा कैसे कहा जाएगा ऐसे नहीं कहना चाहिए। इदानीम अधिक दूषणम दर्शयितुं प्रतिज्ञा लक्षणानि विकल्पयति, अब अधिक दोष को ही दिखाने के लिए प्रत्येक लक्षणों का विकल्प को खड़ा करके खंडन करते हैं, किम पक्ष इत्यादि से छह पक्ष उठा देते हैं। निगमन व्यवच्छेदाय द्वितीय तृतीय और विशेषण द्वयम्, निगमन से व्यवच्छेद करने के लिए द्वितीय और तृतीय लक्षणों में जो विशेषण दिया गया है इसे देना पड़ा है, प्रतिपादन के लिए इच्छित निगमन से भिन्न हो गया, वहां तो निश्चय हो गया ना, इच्छित नहीं है अभी। और तृतीय में क्या था, हेतु जिज्ञासा उत्पन्न, वह हेतु का संबंध ही नहीं, खत्म हो गया। अयम पक्ष इत्यादि अभी खंडन इदम अपि वचना पक्ष प्रतिपादन, अयम पक्ष किसने कह दिया, वह वाक्य भी पक्ष का प्रतिपादन करता है। पक्ष से यह लक्षण वचन तस्मिन अपि व्याप्ति रहा इत्याह, पक्ष का जो लक्षण आप मानते हो संदिग्ध साध्यवान पक्ष वह लक्षण वाक्य में भी पक्ष लक्षण पक्ष वचनत्व सिद्ध हो रहा है, प्रतिज्ञा लक्षण चला गया। तदपि अतएव इत्यस्य विवरणम प्रतिपादने इति, प्रतिपादन इच्छया पक्ष वचनत्वस्य तत्रापि भावात् मूल में कस्मैति तदपि हेत्वाकांक्षा जनकमित्यर्थः, कि कस्मात प्रश्न डालते ही हेतु की आकांक्षा उत्पत्ति हो ही जाती है। निगमन स्यापीति तत्रापि तस्माद् अयम् अग्निमान् इति साध्य विशिष्ट धर्मी प्रतिपादनम् अस्ति, चौथे पक्ष में वह निगमन वाक्य के समान हो रहा है, वो भी क्या तस्माद् अयम् अग्निमान् बोलते हो साध्य धर्मी का प्रतिपादन वह भी कर रहा है। यद्यपि कस्मादयम साध्यवान इति वचनस्य हेत्वाकांक्षकत्वे सति साध्य विशिष्ट धर्मी प्रतिपादकत्वमस्ति, यदि व्यापक गाना ठीक है, अयम साध्यवान ये वचन जो है हेत्वाकांक्षा का जनक होते हुए साध्य धर्मी का प्रतिपादन कर रहा है। तथापि ये तो प्रश्न रूपम इदम, ये तो प्रश्न रूप है, अप्रश्न रूपम अपि अपेक्षितम, इसे लक्षण में अप्रश्न रूपम विशेषण दे दूंगा। लक्षण अतो नास्त्यति व्याप्तिर्ति शंकते अप्रश्न रूपमिति, तथापि आक्षेप वचन अतिव्याप्तिरित्या, फिर भी आक्षेप वचन में अतिव्याप्ति हो जाएगा, नित्य सिद्धांत ने खंडन किया।
आक्षेपी ननु तस्य कथम हित्वाकांक्षन गत्वम्। अरे आक्षेप आके हित्वाकांक्षन कैसे हो जाएगा? तत्रा प्रश्न मनमानम प्रति, जब प्रश्न करके मान रहा है उसके प्रति क्या होगा? वो प्रश्न मनमान प्रति तद्रूपत्वात् लक्षण वचन विचार अच्छा ये कहा था, प्रश्न को मानने वाले भी उसके हेतु का आकांक्षा प्रति भी मान रहा है, इसलिए उसको उससे पूछने में पंचमी इसलिए पूछा कस्मात तथापि इत्यादि। न च अभ्रांतम प्रतीति विशेषणीयम, अभ्रांतम प्रति ऐसा विशेषण देने की कोई जरूरत तो नहीं है। भ्रांतम प्रति प्रयुज्यमान प्रतिज्ञायाम अव्याप्त है, कि भ्रांत के प्रति प्रयुज्यमान प्रतिज्ञा में अव्याप्ति हो जाए फिर लक्षण का। लक्षण वचन तथापि हित्वाकांक्षा अस्ति, लक्षण वचन में भी हित्वाकांक्षा रहेगा। भाई पर्वतोवन्यमान कस्मात् कारणात्, हम पूछ सकते हैं। इसलिए लक्षण वचन मात्रात् अर्थ असिद्ध है, कि लक्षण वाचक मात्र वचन मात्र से अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती बिना हेतु का। निगमनान्यत्व विशिष्टम इति पक्षम दूषेति, निगमनान्यत्व विशिष्टम ये जो अपने मानते हो अंतिम लक्षण छठा वो भी ठीक नहीं, ना विशिष्ट इति परस्पर आश्रम विवाह उपनय अनंतरमिति द्वितीयमपि अवयवं खंडयति नापि हेतु इत्यादि ना, अद्वितीय अवयव खंडन आरंभ हो जाता है नापि हेतो हो।